आज नॉमिनेशन हुआ है पहली बारी 10 साल के बाद मैं पहली बारी एक टिकट मिला है, मांगती रही हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बारी मुझे टिकट दिया है और मैं लोगों की आशाओं पर पूरी उतरना चाहती हूँ और पूरे मन और लगन से मैं इस इलेक्शन में नीचे आऊंगी और मैं सभी का साथ और आशीर्वाद मांगूंगी। तो जैसे राव साहब ने भी पहले कहा कि लोगों की आवाज़ उठी थी और लोगों की ये तमन्ना है और जैसे टिकट बांटे गए हैं उस पर लगता है कि सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं दक्षिण हरियाणा के उनको दी गई है। तो राव साहब के साथ और आप सभी के सहयोग के साथ अगर हम आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार बना सके तो उसे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके उसे हम सबके लिए पूरी पूरा परिश्रम करेंगे। स्वागत करेंगे देखो हम तो प्रयास ही कर सकते हैं लेकिन फैसला तो जो इंडिविजुअल होता है वो मन से अपनी वोट देता है। तो हम तो नाराजगी के लिए सभी से कहेंगे भी हमारा साथ दो, एक बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। और इस बार जब दो बार आप लोगों ने सरकार बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया था तो क्या पता इस बार आपके योगदान के साथ हमारा जो आशाएं हैं पब्लिक की आशाएं हैं वो भी पूरी हो जाए। आज रामविलास जी भी नामांकन कर रहे हैं सर, वहां भी जाएंगे आप, उन्होंने वोटिंग में आपका? हाँ मैं पहले तो जाऊंगा नारनौल, ओम प्रकाश जी का पर्चा भरवाने के बाद वहां पर लोगों को संबोधित करना चाहता हूं और उसके बाद रामविलास जी के घर होता हुआ मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी उनको टिकट उस टाइम तक दे देंगी। देखो हमारा प्रभाव ज्यादातर दक्षिणी हरियाणा के अंदर है और गुड़गांव से लेकर के नांगल चौधरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी की सारी सीट जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अच्छा आपकी बार ज्यादातर सीटों के ऊपर आपके कैंडिडेट मिले हैं आपको, तो आप दक्षिण हरियाणा से लगता है कि अब की बार कहीं ना कहीं चौधरी की जो लड़ाई थी वो पूर्ण करवा पाएंगे? देखो पार्टी ने मेरी सीट या किसी और की सीट के नाते टिकट नहीं दिए हैं, सर्वे होते हैं और सर्वे के आधार के ऊपर जो सबसे सर्वप्रिय कैंडिडेट नजर आता है उसको टिकट मुहैया करती है। तो मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य है कि जो लोग मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे तो सर्वे के अंदर उनका नाम सबसे अव्वल आया और उनको टिकट मिल गई। आरती राव को टिकट मिली, आज नॉमिनेशन किया है, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, अब क्या क्या रहेगा? चुनाव तो जनता लड़ेगी, हमने तो अपना टिकट दिलवाने का काम कर दिया, अब जनता चुनाव लड़ेगी। सर अहिरवाल की जनता प्रशन देखा, इसके बारे में क्या? देखो ये अहिरवाल की जनता का कई सालों से सपना है लेकिन 10 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने साथियों के साथ शामिल हुआ था तो उस टाइम तक कई लोग पार्टी के अंदर मुझे बाहर का एक व्यक्ति माना करते थे। मैं समझता हूँ जो मैंने और मेरी बेटी ने 10 साल मशक्कत करी है पार्टी के लिए तो हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने आज के दिन स्वीकार कर दिया। सर नाराजगी जो है और